नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कल से एक बार फिर मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो रही है और इस बार 28 पार्टियों के साथ आने का दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया, यानी बेंगलुरु वाली बैठक के मुकाबले दो पार्टियां बढ़ गई। लेकिन बैठक की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी भी इंडिया गठबंधन में तेज हो गई। आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़, अरविंद केजरीवाल को उम्मीदवार बता दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह ने सफाई दी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। पर विवाद यहां खत्म नहीं हुआ। बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से जूही सिंह अखिलेश यादव को पीएम पद का उम्मीदवार बता दिया। इसके बाद शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी सामने आई, आनंद दुबे सामने आए, उन्होंने उद्धव ठाकरे को पीएम के लिए योग्य करार दे दिया। तीन दिन पहले कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बताया था। उधर जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को भी पीएम पद का दावेदार कई बार बताया जा चुका है। यही वजह है कि आज हम पूछ रहे हैं इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के कितने दावेदार, आखिर अलग अलग सुरों में बात क्यों, क्या मुंबई में होने वाले मंथन में ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आज इन्हीं सवालों को लेकर भरेंगे हुंकार, लेकिन पहले देख लीजिए आप सियासी वार पलटवार। चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 30,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की जरूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में ये काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो जरूर गठबंधन और इंडिया के लिए अच्छा होगा। मुझसे पूछेंगे मेरे उद्धव जी, है हम सब में इतना विश्वास है कि हमारे लीडर केपेबल हैं कि देश को चला सके। जिस प्रकार इस देश में उद्धव ठाकरे साहब की छवि है एक शांत नेता की, एक काम करने वाले नेता की, तो ऐसे नेता के हम तो कार्यकर्ता हैं, तो अगर दूसरे कार्यकर्ता अपने नेताओं की जयकार कर रहे हैं तो हम हमारे उद्धव ठाकरे साहब की जयकार करेंगे। हर व्यक्ति मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के अनुरूप उसकी योग्यता नहीं है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नंबर वन, राहुल गांधी तो वो प्रोडक्ट है जो लॉन्च ही नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा ये सभी पार्टियां मिलकर के बैठ करके तय करेंगे। बस से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है इसमें फूट पड़ जाएगी। तो नीतीश जी का सपना चकनाचूर हो गया जब वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे और राहुल गांधी को अघोषित तरीके से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। फिर इसके बाद उनके समर्थकों ने प्रचार किया कि संयोजक बनेंगे, उसकी हवा लालू यादव ने निकाल दिया। इन बैठकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश के अंदर नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसका कोई गठबंधन मुकाबला नहीं कर सकता। मैं खास मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता केके शर्मा आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एमएच खान बीएसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रोहन गुप्ता होंगे। शुरुआत संजीव झा जी आपसे करूंगी मैं, ये इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कंफ्यूजन है क्या? रोमाना कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे लगता है कि मीडिया भी अपना कोई मसाला खोजने की कोशिश करता है या हो सकता है कि ऊपर से कोई प्रेशर हो तो ये न्यूसेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मान लीजिए किसी भी आप अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता से पूछेंगे सबकी ये इच्छा होगी कि हाँ भाई हमारे पार्टी का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो मुझे लगता है। लेकिन इस बात कंफ्यूजन तब आती जब हमारे
हमारी पार्टी का एक ये स्टैंड होता, हमारा कोई स्टैंड नहीं है, इस गठबंधन के हम अटूट हिस्सा हैं, जो ये गठबंधन तय करेगा, जो इंडिया तय करेगी, वही अल्टीमेटली कैंडिडेट होंगे, ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर कहीं छोटी सी बात होती है तो फिर तो केके शर्मा जी, फिर तो केके शर्मा जी इसको डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, इनके अपने किसी तरीके की कोई महत्वाकांक्षा है नहीं, कोई पद का लालच है नहीं, इनकी तरफ से हुंकार इस बात को लेकर भरी जा रही है कि इस बार 2024 में परिवर्तन लाएंगे। केके शर्मा, जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। रक्षाबंधन के अवसर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को उसका बधाई देना चाहता हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जी हाँ, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आपने प्रश्न उठाया तो अभी अभी अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यह कह दिया कि साहब ये तो मीडिया का मसाला है। अभी आपने उनके पहले सब उनके नेताओं के बयान दिखाए, वो सब मीडिया के मसाले हैं। तो क्या है कि इनको जवाब देते बन, हाँ आ रही आ रही, जो इनको जवाब देते बन नहीं रहा है, क्योंकि सब पार्टियां एक इसके इनके गठबंधन में जो अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, वो सब एक दूसरे को अपनी हैसियत दिखा रहे हैं कि हमारी हैसियत ये है, हमारी हैसियत ये है, और एक अनार और सौ बीमार की कहानी जो है और उस पर भी मारा मारी, ये पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरह से ये 26-27 भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये किस तरह से एक नाम जो घमंडिया एक गठबंधन बना हुआ है, लेकिन डीएनए तो इनका जाएगा नहीं, डीएनए तो वही है जो भ्रष्टाचार का डीएनए इनके उस पर, तो ये जो है किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। मैं रुमाना जी आज पूछना चाहता हूँ, यहाँ दो दलों के लोग बैठे हैं, अभी अखिलेश जी की पार्टी के भी जो हैं उनकी भी प्रवक्ता ने कहा भाई हमारा भी मैंने प्रधानमंत्री हो सकता है, शिवसेना अपना दावा कर रही है उद्धव जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी बनेंगे, पहले से चल रहा है। लेकिन मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, दो बैठकें आपने कर ली और दो बैठकों के बाद आपका रिजल्ट क्या है, क्या निकला है? तीन महीने जुलाई से लेकर अभी तक का समय, जुलाई क्या जून से लेकर अभी तक आपने उसमें से परिणाम क्या निकाला है? एक संयोजक पद को लेकर भी अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आज भी खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि साहब उसमें जो है हम ही बनेंगे, यानी खड़गे साहब बनेंगे। नीतीश जी जो है पिछले इतने दिनों से ढाई महीने से बेचारे इंतजार करके बैठे थे कि कम से कम पहले संयोजक बन जाऊं फिर प्रधानमंत्री का दावेदारी करूंगा, तो यहां तो संयोजक का भी हिस्सा नहीं मिलवा। ठीक है, ये तीन महीने में किया क्या इन लोगों ने? मैं आशुतोष शर्मा जी से जवाब देती हूं। और राहुल गांधी जी की शादी का आशुतोष शर्मा जी, संयोजक के नाम तक पर सहमति नहीं बन पाई, और अब पीएम पद का उम्मीदवार कौन, इसको लेकर अलग अलग बोल जो नेताओं के सामने आ रहे हैं, सर सहमति वहां कहां फिर उम्मीद की जाए कि बन जाएगी? आशुतोष जी धन्यवाद। रमाना जी देखिए ये बात है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, 77 के चुनाव को जीतने के बाद जब जनता पार्टी की बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान में हो रही थी तो उन्होंने एक वक्तव्य को लेखित किया और कहा कि ये मुझसे पूछते थे कांग्रेस वाले, मतलब उस समय की तत्कालीन सरकार वाले, कि आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो मैं उनको एक ही जवाब देता था। अटल जी अपने बिल्कुल चिर प्रत्यंदाज में बोलते थे कि हमारे पास तो बहुत से चेहरे हैं, अगर आपकी प्रधानमंत्री चुनाव हार गई तो क्या हुआ? और देखिए क्या हुआ, कुदरत ने ऐसा करिश्मा किया कि उस समय की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री अपने गृह जनपद से चुनाव हार गई। तो अहंकार तो किसी का नहीं बचता है, भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्या है? और आज सवाल हम फिर से दागते हैं कि हमारे पास तो बहुत से चेहरे हैं, ठीक है, अगर आपके पास जो एक चेहरा है वो अपना चुनाव ही हार गया तो आप कहां जाओगे? ठीक है सर, मतलब सवाल आपके पास में है, देश के पास में नहीं है। ठीक है, देश को अपना जवाब पता है उनको क्या देना है। ठीक है, जब बात चेहरे पर आ ही गई है तो कृष्णा हेगड़े हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। तो कृष्णा हेगड़े जी, सवाल मेरा ये कि ये जो बार बार एनडीए की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्षी गठबंधन से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई बताओ पीएम का चेहरा कौन है, पीएम पद का आपका उम्मीदवार कौन है, तो कैसे ये संदेश नहीं जाता है कि आप लोग मान रहे हैं पीएम पद के लिए वैकेंसी है, ये मान रहे हैं आप लोग? कृष्णा हेगड़े
देखिए उनके वहां से पीएम बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उनके वहां पर सबसे बड़ी पार्टी थी 2014 में कांग्रेस को 40 सीट मिले थे, 2019 में 50 सीट मिले थे। दो लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस खुद दो लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस खुद 100 सीट पार नहीं हुई, 90 या 95 ऐसा कुछ हुई। तो उनके वहां से प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता है। और इसमें क्या है रोमाना जी, ये नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ या विपक्ष क्या चाहता है, इसमें यह है कि देश क्या चाहता है, और देश नरेंद्र मोदी जी को चाहता है क्योंकि वो देश और विदेश में एक सक्षम नेतृत्व दे रहे हैं। ये 9 साल से जो उनका ये फुसकी रॉकेट है, ये उन्होंने अभी नाम बदली किया, लेकिन अगर आपने कछुए का नाम बदली कर घोड़ा रख दिया तो कछुआ घोड़े जैसा तो नहीं भागेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फुसकी बॉम्ब चलने वाला नहीं है, ये खिचड़ी है, ये अवसरवादी है। ये क्या एक हफ्ते पहले तक तो आपके साथ कांग्रेस लड़ रही थी दिल्ली में कि लोकसभा की सीट कौन लड़ेगी, उसके बाद उसके पहले कांग्रेस लड़ रही थी कि ऑर्डिनेंस में के इशू पर, उसके बाद आप देख रहे हैं कांग्रेस का TMC के साथ जमता नहीं, BRS के साथ जमता नहीं, BJD के साथ जमता नहीं, JDS के साथ जमता नहीं, आपके साथ जमता नहीं, कितने पार्टियों के साथ कांग्रेस का जमता नहीं, फिर भी ये गए 2-3 महीने में इनको साथ में आके एक विकल्प खड़ा करना है। ये विकल्प ऐसा नहीं होता है, देश की जनता बेवकूफ नहीं है, वो जानती है ये क्यों साथ में आए हैं। अभी मुंबई में है, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं था, सब उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब बोल रहे थे, कांग्रेस ही साइडलाइन हो गई आज। तो क्यों अशोक चव्हाण को नहीं सुना आपने बोलते हुए, वो भी तो बोल रहे वो थे। तो उन्होंने तो जो बोल नहीं दे उन्होंने उनको जो बोलना था उन्होंने बोला, उसके बाद मीडिया ने उनको कोई बात। मैं रोहन गुप्ता जी के पास लेकर चलती हूँ, दर्शकों को जुड़ गए हमारे साथ अब कांग्रेस के प्रवक्ता, लेट आए आप शो में रोहन गुप्ता जी। सवाल आपसे ये है कि फिलहाल जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा इस बात की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि साहब ये बेमेल की खिचड़ी है, अधकचरी, पकने नहीं वाली, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि देख लीजिए पीएम पद को लेकर जिस तरीके से अलग अलग इंडिया गठबंधन की पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने नेता के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो हाल वही हो रहा है पीएम पद के लिए, एक अनार है 100 बीमार है। रोहन गुप्ता, चलो कम से कम भाजपा ने मान तो लिया कि पीएम जो है इंडिया का बन रहा है, तो मेरे लिए खुशी की बात है इंडिया के प्रवक्ता के नाते कि भाजपा ने अब स्वीकार कर लिया कि पीएम जो है वो इंडिया का बन रहा है, नंबर वन। और देखिए यहाँ पे रोमना जी, यही देश की राजनीति में जो बदलाव आ रहा है कि अब नीतियों की राजनीति होगी, व्यक्ति की राजनीति नहीं होगी। देश ने व्यक्ति की राजनीति का खामियाजा लास्ट 9 साल से भुगता है। जब मोदी जी ने जितने भी वादे किए, आज उनके कोई भी मैं चैलेंज के साथ डिबेट करने को तैयार हूं, एक भी वादा टाइम बाउंड मैनर में पूरा नहीं हुआ है। हम अब नीति की राजनीति कर रहे हैं। आज कर्नाटक में देखिए जो हमारी स्कीम थी, आज वो स्कीम को हमने पूरा किया, करोड़ों महिलाओं को उनका अधिकार दिया। क्या भाजपा की ये हिम्मत है किसी भी राज्य में करने की? नहीं है। उनको लगा कि इंडिया की 2 बैठक सक्सेसफुल हो गई तो गैस पे 200 रुपए उन्होंने कम कर दिए। भाजपा की हर नीति को आप देखेंगे वो राजनीति से जुड़ी हुई है, वो वोटों से जुड़ी हुई है, जबकि हमारी जो नीति है वो देश को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने और मुद्दों की राजनीति है। अरे पीएम कौन बनेगा वो देश तय करेगा। भाजपा के लिए तो इंडिया भी बनना नहीं था, आज इंडिया बन चुका, 2 बैठक हो गई, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता जाएगा भाजपा को समझना पड़ेगा कि जो राजनीति होगी वो मुद्दे आधारित होगी, भाषण आधारित नहीं होगी, नफरत आधारित नहीं होगी। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने वादे टाइम बाउंड मैनर में पूरे किए हैं तो भाजपा को भी 9 साल की उसके जो वादे हैं, जो जुमले हैं, उसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी, नहीं तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। पीएम देश की जनता तय करता है, पीएम हम और आप तय नहीं करेंगे, पीएम भाजपा तय नहीं करेगी। तो केके शर्मा जी मुद्दों के आधार पे, केके शर्मा जी रोहन गुप्ता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साहब मुद्दा हावी होगा तो चेहरा मायने ही नहीं रखेगा। केके शर्मा साहब, चेहरा मायने नहीं रखेगा? देखिए रोमाना जी, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही जो है चुनाव हुए थे, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया 2014 के बाद 2019 पे। यदि डेवलपमेंट नहीं हुआ होता या नहीं किए होते तो ऐसा नहीं होता। मैं अभी रोहन गुप्ता जी को सुन रहा था, रोहन गुप्ता जी जरा छत्तीसगढ़ के विषय में बोलिए ना, और जरा राजस्थान के विषय में बोलिए। वहाँ तो आपने कहा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे, एक नाम बता सकते हैं जिसको भत्ता दिया है वहाँ पर? आप गारंटी पर देते हैं? आप राजस्थान में बता सकते हैं? आपने कहा था किसानों का हम कर्ज माफ़ कर देंगे,
किसका किया है बता सकते हैं? आप वहां कहते थे महिलाओं को हम जो है 1500-1000 रुपए देंगे, किसी को दे रहे हैं वहां पर? आप जो है, आपको अच्छे से लोग जानते हैं। आप जो एक राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी अभी दो राज्य आपके सामने हैं, आपके जो है असली चेहरे लोगों के सामने हैं, इसलिए इसका दावा मत कीजिए। और दूसरी बात ये भी बता दें, एक राज्य का तो हमने नहीं माना आपका, एक राज्य का माना देश का। मैं आपके पास आ जाऊंगी, रोहित जी आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। केके शर्मा जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए सर। दूसरी बात, अभी तो आप आपस में ही सर फुटवल कर रहे हैं, दावा हैसियत एक दूसरे को बता रहे हैं कि मेरा पीएम, मेरा पीएम, मेरा पीएम। अरे जनता तो जो है वो तो अभी चुनाव में बताएगी किसका पीएम। और तो माननीय प्रधानमंत्री जी है, कोई वैकेंसी नहीं है। एक समाजवादी पार्टी के नेता को सुन रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं कि जब कोई चुनाव जीतेगा तो बनेगा ना। आ जाओ ना, दो बार से उसी उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े हैं ना। आपने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, संयुक्त उम्मीदवार उतार लिया वहां, एक केजरीवाल जी भी जाके लड़ाए वहां पे। क्या हुआ? तो इसलिए जो है बैठ के थोथी बातें करने से और टेथरबाजी करने से, ठीक है, मैं आशुतोष जी आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि सीधे सीधे रोहन गुप्ता जी पर कुछ सवाल खड़े किए थे यहाँ पर केके शर्मा ने, पहले 30 सेकंड का टाइमर ले आइए रोहन जी के लिए। आइए रोहन जी, 30 सेकंड का टाइम आपको जवाब के लिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए बिल्कुल, देखिए आज भाजपा प्रवक्ता की मजबूरी देखिए, आज सरकार में 9 साल से हैं, आज उनके पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए एक भी वादा नहीं है। हमने कहा कर्नाटक में हमने सारे वादे पूरे किए, राजस्थान में हमारे 82% वादे पूरे किए, उसका हमने बुक जारी किया, छत्तीसगढ़ में भी हमने किए। आप हमको सवाल पूछ रहे हैं, आप अपना ये तो बताइए, जो आपके बड़े बड़े जुमले थे 15 लाख की हम बात करें, 2 करोड़ रोजगारों की बात करें, किसानों की आय दुगनी करने की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करें, हर भारतीय को घर देने की बात करें, अरे ये तो जुमले हो गए, बच्चों बच्चों के मुंह पे आ गए कि ये तो मोदी जी ने कहा था, आज तक पूरा नहीं, कब की, उसका तो जवाब दीजिए। आप हमको सवाल पूछ रहे हैं, हम तो जनता के सामने। मैं आशुतोष जी के पास चल रहा हूं, ठीक है, मैं आशुतोष जी के पास आ रहा हूं। सर आपने जो सवाल उठाए थे उनका उन्होंने जवाब दिया 30 सेकंड में। सर मैं आ रही हूँ, एक मिनट, आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी, सवाल ये जो केके शर्मा की तरफ से उठाया जा रहा था कि साहब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपके पास कि वाराणसी में प्रधानमंत्री को घेर लेंगे? 2019 में एसपी बीएसपी साथ थे तब तो हरा नहीं पाए सर, इस बार क्या करिश्मा हो जाएगा? देखिए रुमाना जी, यही अहंकार, इसी अहंकार की मैं बात कर रहा था, और यही अहंकार उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री के अंदर भी था। और आप देखिए 85 की 85 सीट उस समय लोग उत्तर प्रदेश में, अहंकार या जमीनी हकीकत, 85 की 85 सीट कांग्रेस आ गई। और मैं नहीं, हकीकत नहीं है, हकीकत तो आप बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे चुनाव में उसको 37% वोट मिले हैं, 63% वोट जो है देश ने विरोध में इनके दिया है। आज 63% वोट अगर इकट्ठा हो जाएगा तो हकीकत तो यही है कि वो वहां से चुनाव हार जाएंगे। तो मैं तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुनाव हार जाए तो किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? जब आप इस तरीके के आंकड़े रख रहे हैं यहाँ पर 37%, 63%, तो आपको ये भी जानना चाहिए सर कि 303 जो 2019 में बीजेपी ने सीटें जीती थी उसमें से 224 सीटें ऐसी थी जहां टोटल वोट्स जो पोल थे उसमें 50% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसके खाते में आया था। तो आप समझ रहे हैं सर जीत का मार्जिन बीजेपी का कितना बड़ा था। संजीव जी बस मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ एमएच खान साहब भी मौजूद हैं, बीएसपी के नेता हैं। मैं जरा सा एमएच खान साहब के पास चलूंगी आपको लेकर, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर बात एमएच खान साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति की हो रही है। यहाँ पर दावा बड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि जो काम बीएसपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई वो 2024 में कह रहे हैं साहब हम वाराणसी में कर दिखाएंगे, इंडिया में जहां कांग्रेस उनके साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी, उनको पटखनी देने का ये जो दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, आप इस दावे को कैसे देखते हैं? और सर हाथी के बारे में भी बता दीजिए, क्या खाने के दांत और दिखाने के दांत और? क्योंकि शरद पवार आज कह गए कि मायावती बीजेपी के साथ बातचीत कर रही है। नहीं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है बीजेपी के साथ। अब देखिए लास्ट चुनाव अभी बाई इलेक्शन हुआ था आजमगढ़ में एमपी का, जिसमें सिटिंग एमपी इनका था समाजवादी पार्टी का, और वहाँ चुनाव हार गए, रामपुर चुनाव हार गए, 39% वोट हमको मिला आजमगढ़ में। इन इन इनको इनको तो अभी अभी इनका न कोई संयोजक तय है, न कोई अध्यक्ष तय है,
अभी तो सीटों का बंटवारा होना दीजिए, सर फुटौल बहुत कस के होगा इनके वहाँ। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कहेंगे हम ज़्यादा सीट लेंगे, कांग्रेस कहेगी हम ज़्यादा सीट लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लालू यादव भी कूद पड़े इसमें कि हम भी उत्तर प्रदेश में लेंगे। तो ये अभी इनका स्थायी कुछ मामला है ही नहीं है सर। चर्चा तो ये भी है उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में कोई आधार नहीं कि बीएसपी जो है वो भी दरअसल सीटों को लेकर ही अभी किस खेमे में जाए इसका मन नहीं बना पा रही है। बीएसपी की भी बात अटकी हुई एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन से सीटों के तोलमोल को लेकर ही है क्या? नहीं अभी तो कुछ नहीं ऐसा है, अभी तो हम एक अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले हैं 80 सीटों पर, बाकी लोग जो बहस कर रहे हैं वो बहस कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बसपा का वोट ट्रांसफर दूसरे लोगों को हो जाता है, दूसरे लोगों का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए 2019 में तो 10 सीटें आप लोगों के उम्मीदवार जीते थे, आप लोग कैसे 10 सीटें जीत गए थे? समाजवादी पार्टी वाले तो 5 ही जीते थे सर, दुगनी तो आप लोग जीत गए थे समाजवादी पार्टी के मुकाबले, फायदा तो आपको हो गया था गठबंधन में। नहीं फायदा अब भी हो जाएगा हमको, अब भी हम अकेले लड़ेंगे तो फायदा हम ही को होगा, इनके वहां कुछ नहीं, क्या परसेंट वोट है इनके पास? देखिए मुसलमान झूम करके इनको वोट दिया था विधानसभा के चुनाव में, झूम करके 98% मुसलमानों ने वोट किया था समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को 98% मुसलमानों ने दिया था। अरे एमएच खान साहब दूर कहां जाना सर, अभी आ जाइए ना, पिछले साल की बात कर लीजिए, 2022 विधानसभा चुनाव हुए ना यूपी में, मुझे बताइए ना कितनी सीटें आई बीएसपी की, कितनी आई थी सर, एक दो कितनी आई थी, एक दो कितनी आई थी सर? रोमाना जी हमारी बहुजन समाज पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बनी है, ये मिशन है। अच्छा मिशन में कहीं भी कुछ हो सकता है तो हम समझौता नहीं करते मिशन को लेकर के, हमारा वोट कहीं नहीं घटा है, हमारा वोट परसेंटेज बना हुआ है, लेकिन मिशन हमारा जो है वो गरीब दलित वोट परसेंटेज भी आपका लगातार घट रहा है सर की है, वोट परसेंटेज भी आपका लगातार घट रहा है सर, 2014, 2017, 2019, 2022 सर लगातार बीएसपी का वोट शेयर भी घट रहा है, ये फैक्ट है सर, ये सच्चाई है। और 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी का जो हश्र हुआ वो भी सबने देखा। मैं आगे बढ़ती हूँ सर, आपने अभी जो बात कही ना कि साहब इंडिया गठबंधन में अभी तो सीटों को लेकर सिर्फ मुकाबला होगा, एक सुधार कर लीजिए, आ जाइए 30 सेकंड के लिए आइए, सुधार कर लीजिए रुमाना जी, एक सुधार कर लीजिए। देखिए ये जो आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हुआ उसमें कितना परसेंट वोट मिला बीएसपी को? 39%। आखिरी जो इलेक्शन में हमको वोट मिला है वो 39% मिला है, तो इसको हम नकार नहीं सकती हैं और ना ये नकार सकते हैं। सिटी के में एमपी इनकी हार गया समाजवादी पार्टी का, रामपुर से हार गया जहां लोग कहते थे गढ़ हमारा है, हमने वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, यहां पर इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया आजमगढ़ में, आजमगढ़ में कैंडिडेट हमने खड़ा किया तो इन्होंने भी खड़ा कर दिया, रामपुर में हमने छूट दे दिया जाओ जीत लो, लेकिन नहीं जीत पाए न विधानसभा न एमपी का चुनाव, तो किस मुंह से बात करेंगे? आइए आशुतोष जी, कहां इनके पास जमीन है? गढ़ में जीत नहीं पा रहे, वो भी तब जबकि आपको खुली छूट बीएसपी की तरफ से दी जाती है कि हम उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर रहे उपचुनाव में, जाओ जीत लो, सुना ना आपने एमएच खान साहब को? और सपने देखिए, फिर तो आपके सपनों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा जाएगा सर, जो 2024 में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का सपना आप देख रहे हैं यहाँ पर, मुंगेरी लाल का हसीन सपना? नहीं बिल्कुल, देखिए आपको रुमाना जी, आपको मुंगेरी लाल का लग सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को लग सकता है, लेकिन इस देश की जनता को नहीं लगता है, इस देश की जनता ने बहुत बार दिया। और क्या ये हकीकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो साउथ में तमिलनाडु में एक दूसरी सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल दें कि सच नहीं है? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सोच के रखा है, ये देखिए इनको पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, अभी कुछ नहीं। अरे हंसी आती है आपकी ऐसी बातों पर, सही बात, हंसी आती है, शर्मा जी आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी ठीक। आशुतोष जी देखिए, अब ये तो सर अब मुझे नहीं पता आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं, किस आधार पर आप इस आंकलन पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो दरकिनार नहीं की जा सकती ना, मतलब रामपुर आजमगढ़ जिसका अभी जिक्र यहाँ पर कर रहे थे एमएच खान साहब, ये तो सामने साफ तौर पर दीवार पर लिखी हुई इबारते हैं। अब समाजवादी पार्टी इनको पढ़ना ना चाहे तो वो अलग बात है। खैर मैं आगे बढ़ रही हूँ चर्चा में, संजीव झा जी बहुत देर से किसने जीती है
सर संजीव झा जी ठीक है सर, ठीक है, वहां पर सहानुभूति वोट की बात की जा रही है सर, ये भी आप जानते हैं। बहुत देर से संजीव झा जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। संजीव झा जी, एक बात जो यहां पर कही गई बीजेपी की तरफ से कि साहब इंडिया गठबंधन कहता है कि हम चेहरा नहीं, हम मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन वो कहते हैं मुद्दा कौन सा, ये तो 2014 में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, परिवर्तन के नाम पर लोगों ने वोट दिया, और फिर 2019 में परफॉर्मेंस के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वोट दिया। तो आप चेहरे को और परफॉर्मेंस या मुद्दा कह लीजिए उसको अलग करके नहीं देख सकते, तो ऐसे में फिर फाइट इंडिया इंडिया को कैसे देगा? संजीव झा जी देखिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन अटल जी ने ही लिखा था कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। एक बात समझिए आप कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि दो बैठक हो गई, क्या हासिल हो गया भाई साहब? दो बैठक होने पर आपको गैस के प्राइस 200 रुपए कम करने पड़े। आप मुंबई की बैठक होने दीजिए, डीजल और पेट्रोल के प्राइस भी कम होंगे, तो आपकी घबराहट दिख रही है, इसीलिए सामने वाले में कमी निकालने पर लगे, अपनी कमी को देखिए अपने गिरेवान में। रही बात मुद्दों की, आपने कहा कि ऐसे मुद्दे कौन से, आप एक बात समझिए, 2014 में क्या कारण बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ बहुत हुआ बेरोजगारी का माल, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। एक बात बताइए कि 2023 में बैठे हैं, 2014 में गैस की प्राइस 400, अब हो गए 1200, दो अब बेरोजगारी की हालात देखिए, हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात करते, कितने नौकरी इन्होंने दिया किसानों को, सड़कों पर बैठना पड़ा क्योंकि एक बिल के जरिए किसान के अधिकारी छीनने की कोशिश कर रहे थे, बहुत हुई महिला पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हमारी पहलवान बेटियां बैठी एक जायज मांग को लेकर के, लेकिन उस पहलवान बेटियों की नहीं सुनी, हालात ये हुआ कि वर्ल्ड कुश्ती जो फेडरेशन था उन्होंने संस्था से निकाल दिया भारत को। मैं अभी ब्रिक्स की बैठक से आए और देखिए अरुणाचल को चाइना ने अपने मैप में दिखा दिया, लाल लाल आंख दिखाने वाले थे प्रधानमंत्री जी, हमने भी देखा कैसी आंख इन्होंने दिखाया। अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि अरुणाचल के पास चाइना टनल बना रहा है, सबसे ज्यादा ये कह रहे हैं कि 2014 से तुलना करें तो 60% व्यापार बढ़ा है चाइना से। तो मुझे ये लगता है कि आज देश की जनता इनकी सब बातों को जानता है, और ये तो बात हुई महंगाई। दूसरी बात कि लगातार इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कहते हैं, मेरे पास सत्ता है, अहंकार सत्ता का हो गया, उस अहंकार से क्या कर रहे हैं, कभी विपक्षी को डराते हैं, कभी ईडी भेजते हैं, कभी सीबीआई भेजते हैं, कभी पैसे से खरीदते हैं। अरे जनतंत्र में जनता ने जिसको चुना उसको काम क्या किया दिल्ली में इन्होंने? दिल्ली की जनता ने लगातार 2 बार बुरी तरह नकारा, 90% से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी को दी, फिर उसके बाद एक अध्यादेश के जरिए कानून बनाकर आपने सरकार की शक्ति को छीन लिया। ठीक है, तो जनतंत्र में जनता मालिक होता, आज दिल्ली जनता को अपने गुलाम बना कर रख दिया। ठीक है सर, तो ये जो अहंकार है आपका, इस अहंकार का बदला देश लेगा, और इसी अहंकार के खिलाफ आज ये इंडिया इकट्ठा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से बता देता हूँ, ठीक है, अरविंद केजरीवाल से जवाब देना होगा। के शर्मा जी, आपने सुन लिया ना सभी आरोप जो संजीव झा की तरफ से लगाए गए, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं कृष्णा हेगड़े के पास जा रही हूँ, उसके बाद शर्मा जी आपके पास आ जाऊंगी, विस्तार से जवाब दे दीजिएगा। हेगड़े जी, आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि साहब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आपने तो सुना होगा सर, उद्धव ठाकरे यही बात कह रहे थे जो अभी संजीव झा ने कही, उन्होंने कहा कि साहब देखिए दो बैठकों में ही 200 रुपए कम सिलेंडर के कीमत कर दी गई है, और चुनाव आते आते तो और बैठकें होते होते तो इंडिया गठबंधन की ऐसा नौबत ना आ जाए कि फ्री देने को ही तैयार हो जाए सरकार एलपीजी का सिलेंडर। कृष्णा हेगड़े जी, ये इंडिया गठबंधन का दबदबा है कि सरकार मजबूर हुई है कीमत घटाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर की? देखिए, जो सरकार है एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, और जनहित और लोकहित में काम करती है। ये इंडिया गठबंधन तो अभी अभी बनी है 2 महीने पहले, तो इसके दबाव में तो हम काम नहीं करते। दूसरी बात, कीमत घटाना तो सर अभी याद आ रहा है, जब दो बैठकें इस गठबंधन की हो जाती हैं और तीसरी बैठक होने वाली होती है सर। अरे कुछ नहीं है, गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ दीजिए गठबंधन। दूसरी बात क्या है कि ये सब खिचड़ी है, ये सब खिचड़ी पकने वाली नहीं है। 2014 में झा साहब ने बहुत सारे नारे गिनाए, और एक नारा था बहुत हुआ कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मार, कॉमनवेल्थ का मार, आदर्श का मार, हेलीकॉप्टर का मार, कोयला का मार, सबमरीन का मार, सब हो गया वहां पर। कभी तो तब पब्लिक ने बोला अब चाहिए मोदी सरकार। तो
भी लोग ये भूल ही नहीं उसके बाद लेकिन, कभी लेकिन कृष्णा हेगड़े जी वो 2014 था सर और अब हम 2023 में हैं और ये वो दौर है सर जब चक्की पीसेंग एंड पीसेंग एंड पीसेंग वाले लोग जिनको कटघरे में खड़ा करते हैं उनके साथ ही सरकार चला रहे हैं जिनको नेचुरली करप्ट पार्टी कहा जाता है सर सत्ता में है ना साथी है ना सर आपके साथी है या नहीं ये बताइए दो मिनट बोलने पहले बताइए ना मुझे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग किसके लिए कहा गया था पहले बताइए ना मुझे नेचुरली करप्ट किसके लिए कहा गया था और ये भी बताइए वो सत्ता में नहीं, नहीं, आपके साथ है या नहीं है तो मैं बोलूंगा ना मैं मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना बोलिए ना देखिए रोमाना जी ऐसा है हाँ जी। कि अजीत दादा पवार के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं लगा हुआ है और जो आप बोल रहे हैं ईडी नहीं मैं आपको नाम देता हूँ ना आप तो यही तो बोल रहे हैं ना चक्की पीसिंग और किसके लिए बोला गया था तो दूसरी बात ये है ये जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया 2023 में आर्टिकल 370 किसने किया यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन लेके आ रहा है ये जो मुस्लिम महिलाओं को ताकत देने का काम किसने किया राम मंदिर कौन किसने निर्माण किया पर बात कर रही थी सर वो सब आप काम गिना रहे बिल्कुल गिनाइए सर बिल्कुल गिनाइए उस पर मैं आगे चर्चा करूंगी लेकिन अब बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलते हैं ना केके शर्मा जी के पास चलते हैं केके शर्मा जी ये जो चीन से लेकर मणिपुर से लेकर ये महंगाई बेरोजगारी तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन इसी सब को लेकर घेर रहा है आपको किसानों को लेकर भी घेर रहा है पहलवान बेटियों को लेकर भी घेर रहा है सर ये मुद्दों की घेराबंदी इससे कैसे बचेंगे आइए रुमाना जी मुझे आश्चर्य होता है और विपक्षियों पे मुझे तरस भी आता है टीवी में बैठ के इतना चीज बोलते हैं अभी सदन चला था ना अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे ना सारे मुद्दे पे बोले सबका जवाब भी दिया जो है सदन के अंदर सारे मुद्दों का और अंत में जो है वोटिंग कराने के लिए भी इनकी हिम्मत नहीं जुटी ये भाग खड़े हुए वहां से तो ये तो भगोड़े विपक्षी हैं आज तक सदन के अंदर राष्ट्रपति और भाषण से लेकर कोई भी हो हर समय जो है जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलने उठते हैं उसके बाद ये भाग खड़े उठते हैं तो जनता पूरी देख रही है कि इनके पास क्या संजीदगी है अभी मुझे हंसी आ रही थी एक मित्र कह रहे थे कि साहब इनको हमारी दो बैठकें हो गई इसके लिए इनको दबाव में आ गए ये लोग हैं अब मुझे तो यह आश्चर्य होता है कि इनकी दो बैठकें हो गई इसलिए भारत ने चंद्रयान छोड़ दिया चंद्रयान जो है चंद्रमा में पहुंच गया क्योंकि ये जो विपक्षियों की जो है गठबंधिया गठबंधन की दो बैठकें हो गई अरे मैंने पूछा इन दोनों प्रवक्ताओं से कांग्रेस और इनके कि ये दो बैठकें हो गई एक संयोजक नहीं तय कर पाए अभी तक आप अपना नाम और अभी तक आप कह रहे हो लोगों भी बदलेंगे अरे क्या कर रहे हो तीन महीने से तो मैं आपको कह रहा मैंने जो पहले कहा तीन महीने से एक दूसरे को हैसियत दिखा रहे एक दूसरे को आंखें दिखा रहे और फिर कहीं कोई सुझाव दे रहा है राहुल गांधी की शादी करा दो कोई कह रहा है कि उनकी ये करा दो यही सब हो रहा है उसमें चाय कॉफी पी के वापस आ जा रहे हैं तो देखिए क्या है और एक बात और मैं रोहन जी को बता दूं रोहन जी अभी कह रहे थे क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की बात की टी एस सिंहदेव का नाम तो जानते ही होंगे आप वो आपके डिप्टी मुख्यमंत्री अभी अभी तीन महीना पहले संतुष्ट करने के लिए बनाया रोहन जी अरे रोमाना जी आश्चर्य है उन्होंने बयान दिया और वो तो छोड़िए सदन के अंदर इनके नेता ने जाकर बयान दिया कि हमने 36 वादे किए थे 17 वादों पर हम आंशिक रूप से थोड़ा बहुत कर पाए हैं और 19 वादों पर तो हमने काम ही नहीं किया है हम आगे करेंगे समय पर ये आपका सदन का बयान है रोहन जी आप यहां जो बैठ के बहुत ज्ञान बांट रहे हैं कि हम गारंटी पूरा करते हैं आप जाइए राजस्थान मैं वहां का भी बता देता हूं रोहन जी आजकल आप जाते नहीं होंगे क्योंकि आपको तो अब तकलीफ होगी छत्तीसगढ़ में जवाब देने के लिए तो आप जाएंगे नहीं ना पढ़ेंगे भी नहीं एक गारंटी पूरा यही राहुल गांधी थे कहते थे 1, 2, 3, 4, 7 दिन के अंदर यह माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा अरे मुख्यमंत्री डर के मारे घिग्गी बन गई अपने ही उप मुख्यमंत्री के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना पड़ गया सचिन पायलट पर यह कर्म किसने किया यह अंतरकरण कौन लड़ा आप छत्तीसगढ़ से जो है 65 विधायक लेके भागते थे हेली अपने हवाई जहाज से आके दिल्ली में समर्थन आप कांग्रेस की कलाई खोलने का काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कांग्रेस अपने साथ पहले तो 26 थे पिछली बैठक तक अब 28 पर पहुंच गया है ये आंकड़ा इंडिया गठबंधन वाले दलों का मैं आ रही हूँ सर एक सेकंड पहले मैं रोहन गुप्ता जी के पास चलूंगी रोहन गुप्ता जी एक बड़ी बात यहाँ पर जो केके शर्मा की तरफ से कही गई मुद्दों को लेकर और वो ये कि साहब ये मुद्दे उठाते जरूर हैं लेकिन मुद्दों को अंजाम तक कहां पहुंचाते हैं सदन में जब प्रधानमंत्री को जवाब देना था अविश्वास प्रस्ताव आप ही लोग लेकर आए थे तब आप लोग बाहर निकल गए सदन से तो फिर जनता भरोसा कैसे करेगी सर ये सवाल तो वाजिब है
बिल्कुल रुमाना जी, जनता इसीलिए भरोसा कर रही है कि जब सदन में हमने अविश्वास प्रस्ताव को लाया तब मुख्य मुद्दा क्या था, मणिपुर था। हमको मालूम था, वैसे तो प्रधानमंत्री जी की बोलने की हिम्मत नहीं है, जिस संसद को चूम के संसद के अंदर गए थे रिस्पेक्ट करने का उन्होंने एक देश को दिखावा कराया था, आज 9 साल में उस संसद की गरिमा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जो मणिपुर जल रहा था संसद में बोलने की हिम्मत नहीं, संसद के बाहर बोल के खड़े थे, वो इंडिया की ही स्ट्रेंथ थी, इंडिया की मजबूती थी कि प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर दो मिनट मणिपुर के बारे में संसद में बोलना पड़ा, यही तो जीत है, जनता इसे तो भरोसा कर रही है। और रोमाना जी, ये भाजपा ही प्रवक्ता यहाँ आके इतना बड़बड़ कर रहे हैं, आज उनकी मजबूरी देखिए, इंडिया की मीटिंग होती है यहाँ पे आके उनको गालियां देनी पड़ती है, आज जहां जहां इंडिया जाता है एनडीए पीछे जाता है, उनको लगा आनंद फानन में महाराष्ट्र में ये बैठक होगी बड़ी तरह सक्सेसफुल होगी, तो आनंद फानन में जो तोड़े मोड़े जड़े लोकतंत्र की हत्या करके जो अलायंस महाराष्ट्र में बनाया उसकी मीटिंग बुला लिया। देश की जनता नहीं समझ रही है क्या? आज राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात करें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, राजस्थान ने 82% वादे पूरे किए, छत्तीसगढ़ भी अपने सारे वादे पूरे करेगा, आप अपनी एक तो सरकार दिखाइए। मैंने तो कहा कर्नाटक ने 5 गारंटी पूरी की, मैंने कहा हिमाचल की पूरी करेगा, एक तो वादा बिल्कुल चुप बैठी आप। मैंने उनके 7 वादे गिनाए जो प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से बोले थे, किसी और ने नहीं। धमकी मत देना रोहन गुप्ता, ये धमकी मत देना, किया चुप बैठिए, बीच में धमकी मत देना, धमकी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज, आराम से रोहन जी अपनी बात रख ले, आपके पास आराम से आऊंगी के शर्मा जी। ये एबीपी न्यूज पर 5 बजे का मैं शो करती हूँ, मैं बहुत ही आराम से संयम से शो करती हूँ, सबको पूरा मौका मिलता है, यहाँ लड़िए मत, बात करने के लिए बुलाया जाता है, बात कर लीजिए ताकि दर्शक समझ पाए क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। रोहन जी आइए प्लीज। धन्यवाद रोमाना जी आपका एक बहुत अच्छा शो था और अच्छी तरह से चल रहा था, बौखलाहट उनकी दिख रही है। 9 वादे मैंने गिनाए जो प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले किए थे, कि आपको नहीं लगता है कि देश की जनता को उसको उनको जवाब देना चाहिए, उसका टाइम बाउंड मैनर, हम तो सामने बात करें, मुद्दा यहाँ पे यही हो गया है। आज ये कहा जाता है मोदी वर्सेस हू, मुद्दा भी है ही नहीं, मुद्दा है देश की जनता। आप जो वादे करते हैं जनता को, अगर आपकी विश्वसनीयता है आप टाइम बाउंड मैनर में पूरे करिए, जनता विश्वास, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, हम और कोई बात नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% परफेक्ट है या हमारी गलतियां नहीं हो सकती, लेकिन रोहन गुप्ता जी, जो मुद्दे आपके हैं उस पर जनता भरोसा कहाँ दिखाएगी? आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, लेकिन वहां पर पलट कर मोदी सरकार की तरफ से ये बता दिया जाता है ना, देखिए कोरोना काल था, दुनिया में युद्ध चल रहा था रूस यूक्रेन का, बावजूद इसके हमने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करवा दिया, ये भी तो आंकड़ा दिया जाएगा ना। आ रही हूँ सर। रोहन गुप्ता जी जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी रोमाना जी, एक छोटी सी चीज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लास्ट दिसंबर से लेके 4 बड़े राज्यों में जहां पे भाजपा की सरकार थी, दिसंबर से लेके हिमाचल थे, एमसीडी की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, 4 जगह पे भाजपा की सरकार थी, आज 4 जगह पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो अहंकार है वो सर पे चढ़ के बोल रहा है, आज जनता रिएक्शन दे रही है, और हम इसीलिए सिर्फ मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, हम कोई झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते। शर्मा जी के पास जाऊंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी कृष्णा हेगड़े जी। शर्मा जी प्लीज आइए सर, वो कह रहे हैं मोह भंग होना शुरू हो गया है देश की जनता का, दिल्ली एमसीडी गिना रहे हैं, वो हिमाचल गिना रहे हैं, वो कर्नाटक गिना रहे हैं। के शर्मा जी आइए। नहीं नहीं रोमाना जी, मैंने इसलिए इंटरप्रेट किया मात्र कि उन्होंने मुझे कहा कि आप चुप रहिए, खैर वो विषय छोड़िए, मैं केवल इस बात को कह रहा हूं, उन्होंने क्या बोला कांग्रेस के प्रवक्ता ने जी, कि छत्तीसगढ़ में जो हमने वादे किए वो पूरा कर देंगे। कब पूरा कर दोगे? 2 महीने चुनाव बाकी है, पूरा कर देंगे आप? 5 साल क्या कर रहे थे वहां, घास चिर रहे थे बैठ के? अभी चुनाव को लेकर अभी चर्चा नहीं कर रही, अभी बात 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। आ रही हूँ रोहन गुप्ता जी प्लीज, रोहन जी प्लीज, मैं हूँ यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। आइए शर्मा जी प्लीज कर रहे हो ना, नहीं प्लीज, बदतमीजी मत कीजिए सर, प्लीज आइए शर्मा जी, आराम से आइए जी। नहीं तो ये जब वो बोल रहे थे जब उन्होंने कहा था तब तो आपने नहीं बताया। संयम से सर प्लीज, संयम से आप आइए प्लीज। मैं कोई संयम नहीं खोने वाला, मैं तो इनसे 4 घंटे इसी तरह बहस कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि हमने 2014 में वादे जो किए थे
यदि उसे हमने पूरा नहीं किया होता तो क्या 2019 में हमें 2014 से भी ज्यादा सीटें मिलती? वैलिड पॉइंट। 303 सीट हमें देश के विभिन्न राज्यों में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 15 अगस्त के मौके पर किया गया इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से। आशुतोष जी जल्दी से आइए, आशुतोष जी वही बात जो मैंने पहले कही थी संजीव जी से, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है 2014 में परिवर्तन था, 2019 में परफॉर्मेंस थी और एक बार फिर से वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उन पर भरोसा जताएगी। आशुतोष जी आ रही हूँ फिर संजीव जी आपके पास, कृष्णा जी आपके पास भी आ रही हूँ। नहीं देखिए, देखिए सरकार में बैठी हुई सत्ता का हक है वो इस तरह के दावे करे, लेकिन देश की जनता भी देख चुकी है कि आपके दो बार के बार बार जुमलों को अब आगे नहीं बढ़ सकती है। जुमलाबाजी आपको जॉब लग रही की बात करते हैं आप, संजीव झा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं सबके ऊपर, बिल्कुल 8% की मैक्सिमम जो है आप ग्रोथ दे पा रहे हैं और कह रहे हैं आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, तो ऐसे हवा हवाई बातों में जनता नहीं दे रही है। देखिए मैं एक ही बात कह रहा हूँ, इनकी अभी जो बीजेपी प्रवक्ता है उनकी बौखलाहट भी दिख रही है, यही बौखलाहट इनकी पार्टी की भी है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह का इनका अहंकार इनके सर पे बोल रहा है वो अहंकार से देश ये अहंकार आपको लग रहा है कि कृष्णा हेगड़े, कृष्णा हेगड़े रोमाना जी अहंकार अहंकार जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया गरीबी हटाओ, 1947 के बाद 25 साल के बाद इंदिरा जी ने एक नारा दिया गरीबी हटाओ, 60 साल इन्होंने देश के ऊपर राज किया और इन्होंने ये गरीबी हटा नहीं सके और ये बात कर रहे हैं गरीबी के बारे में। अरे कांग्रेस ने जो कर्नाटक में आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन ने 2024 चुनाव चेहरा मायने रखेगा या मुद्दा हावी हो जाएगा, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम आ गए और अब एक ही सवाल और सभी मेहमानों से 10-10 सेकंड में इस सवाल का जवाब, सवाल सभी गौर से सुन लें, प्रधानमंत्री का चेहरा ना देना इंडिया गठबंधन की क्या सबसे बड़ी कमजोरी चुनाव में साबित हो सकती है? एमएच खान साहब आपको क्या लगता है, एनडीए के मुकाबले इंडिया के पास चेहरे की कमी क्या सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है? बिल्कुल कमजोरी हो सकती है। हम तो कहते हैं बहन कुमारी मायावती जी को कैंडिडेट बना दीजिए, देखिए फिर चुनाव का रुख कितना बदल जाता है। बहन कुमारी मायावती जी को कैंडिडेट बनाइए, कहिए कि हाँ ये हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इनके सामने मोदी जी हैं, फिर देखिए पूरे हिंदुस्तान में क्या खेल होता है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दे दिया विकल्प जी। रोमना जी बात सिंपल है, देश ने आज चेहरे के नाम पे 9 साल सुन लीजिए रोमना जी, देश में 9 साल से एक चेहरे के नाम पे, भाषण के नाम पे जनता ने जो धोखा खाया, जनता समझिए मुद्दों की राजनीति होगी और जब से इंडिया बना है भाजपा की राजनीति हिल चुकी है, मुद्दों की राजनीति की, जनता के मुद्दों पे बात होगी, जनता की बातों को किस टाइम बाउंड में पूरा होगा और यही मुद्दा है, यही फ्यूचर है। सबसे बड़ी तरीका नहीं है, तरीका नहीं, 10 सेकंड में संजीव, मेरा एक ही मुद्दा है, इंडिया जीतेगा, अहंकार हारेगा। तो मुझे लगता है कि अब जरूरत है देश को, प्रधानमंत्री जो भी हो वो पढ़ा लिखा हो ताकि देश के मुद्दे की समझ हो, देश की स्थिति की समझ हो और उसको ठीक से उसका उसका ठीक से उसका जो अंजाम है वहां तक पहुंचा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री का होना बहुत जरूरी है। कृष्णा हेगड़े, पीएम का चेहरा ना होना इंडिया गठबंधन की कमजोरी? देखिए इंडिया अलायंस का कोई पीएम कैंडिडेट नहीं है, उनका कैंडिडेट बनने वाला नहीं है, उनका पीएम होने वाला नहीं है, इसके लिए नाम नहीं है, चेहरा नहीं। ठीक है आशुतोष जी, यही कमजोरी साबित होगी? मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ताकत होगी और भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि इंडिया अलायंस बनने के बाद से आज तक वो परेशान है कि वो कहां पे किसको बनाएंगे और उनके पास एक अकेला मजबूरी का चेहरा है जिसको लेके वो चुनाव में जाएंगे और अच्छी पटकनी ये इंडिया अलायंस देगी उनको। ठीक है के शर्मा, सुना आपने आशुतोष जी तो कह रहे हैं ये ताकत बनेगी चेहरा ना होना। देखिए रुबाना जी, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, 2023 का सबसे बड़ा 24 का मजाक होगा जो है ये गठबंधन। और यहाँ तक मैं कह दूँ, जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, उसके सामने उनकी विश्वसनीयता, उनकी निर्णायक क्षमता और उनके सामने जो है कोई भी नहीं होगा और कोई भी जो है टिक नहीं सकता। ठीक है सर, समय इतना ही है मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुद्दे के दम पर जो नरेंद्र मोदी को हराने
की हुंकार विपक्ष की तरफ से भरी जा रही है वो संभव हो सकता है क्या? मुद्दों से मोदी की घेराबंदी हो सकती है 2024 में ही इसका फैसला होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए।